नमस्कार, आप देख रहे हैं republichindi.com। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही नेताओं ने टिकटों के लिए दावेदारी और लॉबी तेज कर दी थी। टिकटों के बंटवारे के बाद से परिस्थितियां बदल गई हैं। अब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, वही दुश्मन एक दूसरे के गले मिलते हैं और गल बंगिया करते दिख जाएंगे। ऐसा ही कुछ नजारा मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर देखने को मिला। यहाँ बीजेपी के दो नेताओं के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। बीजेपी समर्थकों के बीच खूब लात जूते चले। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और सांसद आरके सिन्हा दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पटना साहिब सीट से बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया है। इसे लेकर आरके सिन्हा के खेमे में नाराजगी है, क्योंकि इस सीट से सिन्हा को टिकट मिलने की उम्मीद थी। मंगलवार को जैसे ही रविशंकर प्रसाद पटना पहुंचे, आरके सिन्हा के समर्थकों ने प्रसाद गो बैक का नारा लगाया और काला झंडा भी दिखाया। आरके सिन्हा जिंदाबाद, 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 आरके सिन्हा जिंदाबाद, 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 आरके सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोनों समर्थकों के बीच हंगामा देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। एयरपोर्ट पर मौजूद रविशंकर प्रसाद के समर्थक और आरके सिन्हा के समर्थक आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पटना से अनुपम सिंह की रिपोर्ट के साथ मैं अरुण तिवारी। वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं।